सो गाइस अब प्लान में है बहुत ही बड़ा चेंज, जिसे कहते हैं बहुत बड़ा। सो अब चलते हैं दिल्ली को, तो चंडीगढ़ जाना पड़ेगा मुझे। हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय व्लॉगिंग चैनल। एंड आज ये मेरा पहला व्लॉग है, एंड आज हम जा रहे हैं मेरे फ्रेंड को लेने, जो कि आ रहा है इंग्लैंड से। एंड ये उसकी सरप्राइज विजिट होने वाली है इंडिया के लिए। एंड इनफैक्ट किसी भी फ्रेंड को अंदाजा नहीं है कि वो आ रहा है, एंड उसकी फैमिली में तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वो 1.5 साल से ट्राई कर रहा है आने की। एंड उसकी 3 बार फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है, तो उसका 4th attempt है, लेकिन वो फाइनली आ गया है। बस 10 बजे उसकी फ्लाइट लैंड करने वाली है, एंड अब 7 बज चुके हैं, एंड हम जा रहे हैं करनाल से दिल्ली उसको लेने। सो चलिए चलते हैं। सो गाइस अब 11:45 हो चुके हैं, एंड उसकी फ्लाइट लैंड हो चुकी है। वैसे उसकी फ्लाइट 10:25 पर लैंड होनी थी, बट 1 घंटा लेट हो चुकी है ड्यू टू फॉग। सो बट कोई बात नहीं, अब उसको प्रोसीजर में अब उसको टाइम लगने वाला है। सो वो कह रहा है कि 6 से आपको 8 घंटे लग जाएंगे, तो तब के लिए मैं जा रहा हूँ गुड़गांव, तो चलो वहीं मिलते हैं। सो गाइस प्लान में है बहुत, मैं कह रहा हूँ बहुत ही बड़ा चेंज। सो हुआ क्या कि पहले हमें बोला गया कि अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आता है तो आपको हम क्वारंटाइन नहीं करेंगे, बट अब वो कह रहे हैं कि चाहे आपका पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा, एंड इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होना पड़ेगा, वो भी दिल्ली के अंदर ही। आपको दूसरी सिटी में हम जाने नहीं देंगे। हम हैं करनाल हरियाणा से, बट स्टिल वो कह रहे हैं कि आपको दिल्ली में ही क्वारंटाइन होना पड़ेगा। सो लेट्स सी अब क्या होगा। अभी तो 4 बजे रिपोर्ट आनी है, एंड अब 3 बज चुके हैं, एंड मैं आ चुका हूँ गुड़गांव अपनी सिस्टर के पास, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था, एंड रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक था। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि 4 बजे रिजल्ट नेगेटिव आता है या फिर पॉजिटिव, एंड तब अगर पॉजिटिव आता है तो फिर उसको क्वारंटाइन यहीं होना पड़ेगा, अगर नहीं आता तो चंडीगढ़ जाना पड़ेगा मुझे। सो लेट्स सी, फिर फ्लाइट लेते हैं, फिर उसकी फ्लाइट होगी 5 बजे की। सो लेट्स सी होता क्या है, होप फॉर द बेस्ट। अब प्लान में है फिर से एक और बहुत ही बड़ा चेंज। सो पहले क्या हुआ था कि मैं चंडीगढ़ जाने वाला था उसको लेने, बट बहुत ही ज़्यादा रात हो जाएगी, एंड अब बज चुके हैं 5, स्टिल उसका कोई अब तक रिप्लाई नहीं आया है कि उसको कब निकलना है। सो अब मैं जा रहा हूँ घर वापस, एंड वो खुद ऊबर कैब करके आएगा। सो मिलते हैं अब उसी से ही, सीधा उसके घर जा जाए। सो फ्रेंड्स अब एक बहुत 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 ही ज़्यादा खुशी की बात है कि वो पता नहीं कैसे बाहर निकल गया, एंड अब बज चुके हैं शाम के 6 बज चुके हैं, एंड अब मैं उसको लेने जा रहा हूँ, एंड बट पहले मैं खा के जाऊँगा डोसा और साथ में नूडल्स। हाँ, तो हम आए हुए हैं होम स्वीट्स पर गुड़गांव में सेक्टर 14। सो बस जैसे ही मैं खाता हूँ उसके बाद मैं सीधा उसको लेने जाऊँगा फटाफट से। सो चलिए अब उससे मिल के ही आपसे बात करते हैं। सो अब एयरपोर्ट में एंटर हो चुके हैं, जस्ट 1 किलोमीटर 2 मिनट में हम उससे मिलने वाले हैं, एंड 1 किलोमीटर रह गया है। सो देखते हैं कि उसका क्या रिएक्शन होगा। अब हम पहुंच चुके हैं टर्मिनल 3 पर। सो देखते हैं वो कहाँ खड़ा है, लेट्स फाइंड हिम। ये खड़ा मेरा पतला सा दोस्त जिसका नाम है शिवम, और ये पीछे मुड़ेगा और ये आ गया। और मेरे बेटे, बाकी तेरे को पता ना, तो तेरे आए का खुशी थी ना तेरे जाने का गम था। गाड़ी खड़ी है पार्किंग में, चुपचाप वहां ले चल, बहुत दुखी कर लिया तूने। चल 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 तू चल चल, जितना दुखी तूने किया ना भाई, भाई कसम से अभी गले तेरे पूरे अच्छे है, जकड़ लूंगा तेरे को, तू पहले चल। जितनी जान इस आदमी ने खाई है ना मेरी जिंदगी में किसी ने नहीं खाई। ओ भाई रुक जा गाड़ी ऊपर आ रही है शायद, चल नीचे चल नीचे चल नीचे चल। ये किसी किसी के साथ ही होती है भाई साहब। आराम से आराम से आराम से, ये जो मेरे साथ हुआ ना किसी किसी के साथ ही होता है। बस बस ये भी टाइल 3000 फॉर द बैगेज। चुप चुप, अभी नहीं बाकी बातें बाद में, अभी हम सारी स्टोरी गाड़ी में जाके सुनाएंगे, तब तक हम लिफ्ट का मजा ले लें। वही ये पता कैसे चलती है, ये खतरनाक है, खतरनाक हाँ दिलप्रीत गिर गया था। और एक हमारा दोस्त विहान अरोड़ा, जिसने खाली जान
पूछ के भाई आ रहा है कि नहीं, इसके घर वालों को हो चुका है वैसे तो पूरा शक, बट लेट्स सी क्या होगा। अब काफी ज्यादा धुंध भी हो चुकी है करनाल में, सो देखते हैं क्या होगा। सो फाइनली शिवम उर्फ चीपड़ा उर्फ मिस्टर बीन उर्फ ब्ला 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 ब्ला, अब हम पहुंच चुके हैं अमरिक सुखदेव लिए एंड क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं आ रही। सो अब सीधा खाना खाने चलते हैं, बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है एंड ये भी भूखा है एंड मैं भी, इसकी वजह से मैंने भी कुछ नहीं खाया। सो लेट्स सी अब अंदर मिलते हैं। अबे तू किधर जा रहा, तू फीमेल में चल। पहले तो रिच किड्स, फिर वही बात, आईफोन 12 प्रो मैक्स, एप्पल 6 ओ भाई साहब, एयरपोर्ट 2, ये भी तो रिच किड है, आईफोन 12 प्रो भाई भाई, सब कुछ मेरा वापस कर दे। ओ चा दी तो गल दूर दी, बिना पानी करे भी तू के शकरे, होई 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 ठंड भाई, पता है अभी अभी ये शिवम क्या कहता, कहता भाई ठंड इतनी है, मेरा तो सब कुछ जम गया है ना, सब कुछ जम गया ना तेरा, सब कुछ नहीं जमा। और ये सस्ता हुक्का भी दे वो। ओके बाय 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 अंकल 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 गुस्से होने वाले हैं ड्राइवर अंकल। चलो ये तो ब्यूटी प्लस लग गया। 11 बज चुके हैं एंड हम निकल चुके हैं वापसी के लिए एंड अब सोनीपत से निकले हैं, देखते हैं करनाल में कितना टाइम लगता है। फॉग भी बहुत ही ज्यादा हो चुकी है, स्टिल दिख नहीं रही, वो मैं वैसे ही बोल दिया मैंने, नहीं मैंने सुना था ना करनाल में फॉग हो रही है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं करनाल में क्या होगा, फॉग है क्या है। और अब मैं आपको एक निंजा टेक्निक दिखाने वाला हूँ जहाँ पर हम टोल नहीं भरेंगे एंड अब ज्यादा हो गया ये इस वजह से क्योंकि किसान एकता जिंदाबाद, आई समझ, हट जा मोदी। सो बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ इसको लेने, बट ये दिल्ली से कैसे आ गया, सो अब ये आपको हमारे शिवम जी ही बताएंगे। तो बताओ भाई कैसे आया तू बाहर? जब मैं मॉर्निंग में लैंड हुआ, थोड़ी तेज बोल ले, शर्म कर ले। जब मैं मॉर्निंग में लैंड हुआ था तो उन्होंने मुझे कहा कि कनेक्टिंग फ्लाइट लो, आप ट्रैवल कर सकते हो एज कम्पेयर टू दिल्ली, मैं दिल्ली बाय कार ट्रैवल नहीं कर सकती, तो आई चूज दैट कनेक्टिंग में चंडीगढ़ फ्लाइट ले ली। तो इंग्लिश बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तो वो हिंदी में ही बोल सकता है भाई। यार वो फ्लो बना हुआ है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अच्छा अच्छा बोल बोल चल। फिर वो सारा कुछ इमिग्रेशन करते करते इन्होंने करते करते 5:25 में मेरी फ्लाइट है। एंड मैं थोड़ा ब्रेक लगाऊंगा इसी बात पे। सो हुआ क्या था, तो मैं अपनी सिस्टर के पास चला गया, जैसे मैंने बताया पहले भी कि मैं गुड़गांव में ही हूँ अभी भी। तो हुआ क्या, वहाँ पर मुझे बैंक में उन्होंने बिठा लिया, कहते कि अभी रुक जा थोड़ी देर, तू शाम को निकल जाइयो। सो उन्होंने मुझे 3 घंटे वहीं बिठा लिया एंड आफ्टर डेट मुझे भूख लग गई, तो मैं वहाँ चला गया। तब अचानक से जैसे ही मैंने ऑर्डर किया, इसका फोन आ गया, भाई तू कहाँ है? मैंने कहा भाई मैं तो गुड़गांव ही हूँ। कहता कि आ जा फटाफट लेने आ जा। उसी टाइम फिर मैं फटाफट भागा एंड आधा घंटा दूर था मेरे से एयरपोर्ट, बट मुझे पहुंचते पहुंचते 1.5 घंटा लग गया एंड ये बाहर ही खड़ा रहा, तो मजा आया मुझे भी क्योंकि इसने मुझे सारा दिन परेशान किया। अब आगे बताओ। मेन फिर मैं डिपार्चर डेस्क पे गया, 5:26 थे, मेरी फ्लाइट हाफ एन आवर डिले थी, बट स्टिल वो कहते हैं हम आपको कर देते हैं, आप एक काम करना बैगेज कल चंडीगढ़ से कलेक्ट कर लेना, नो वो जैविक लग दैट। बट जब बैगेज की बारी आई हमारे को, विस्तारा एयरलाइन ने लंदन से दिल्ली के लिए 456 kg अलाउ किया था एंड दिल्ली टू चंडीगढ़ दे अलाउइंग अस लाइक 23 kg एंड द मेन थिंग उसने जो बिल बना के पकड़ाया ना वो 33,000 का मेरे को बिल पकड़ा दिया कि अगर आप पे करते हो तो आप जाके जा सकते हो। अब ये बात ना विस्तारा एयरलाइन तक पहुंचा दो। उसको मैंने कहा मेरा तो एग्जिट कार्ड बनवा दे,
जब कोई सोल्यूशन नहीं था कहती मैं नेक्स्ट डे फ्लाइट में भेज दूंगी कुछ कोई सोल्यूशन एग्जिट कार्ड बना उनने एग्जिट कार्ड बनाया नॉर्मल उसने खुद एग्जिट कराया मैं नॉर्मली बाहर आया मैंने आखिर इसको फोन करा और ये महाराज जी हमारे लेट लेते खाई है एक बार कहीं जल्दी आने के हमने समझते ले ये तो मेरा फर्ज था आ गया ना घर तो नहीं गया ना बंदा पहुंच गया शुक्र है घर तो नहीं गया ना टैक्सी दूसरी टैक्सी पे आना पड़ता ये आराम से लोग करता था यार मेरा मैं तो यही सोच रहा था कि मेरा ये भी ब्लॉग कैंसिल हो गया मैंने बर्थडे ब्लॉग भी स्टार्ट किया था बट बर्थडे ब्लॉग कैंसिल हो गया काफी सारे रीजन थे कि कैमरा एंगल सही नहीं आया देन थोड़ा मेरा मूड भी ऑफ था उस टाइम क्योंकि काफ़ी सारी पार्टीज हो गई थी मैं थक गया था क्योंकि रात को बर्थडे रात को भी बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे सो चलो अब हम घर जा रहे हैं शिवम के तो नीलकंठ आ गया है एंड बस जस्ट 5 मिनट में हम घर पहुंचने वाले हैं शिवम के हार्ट बीट कैसी चल रही है सो अब देखते हैं मजा आएगा मजा अपने वाला शूट नहीं हो रहा मेरे से मतलब बोल रहे हो क्या मैं कर रहा हूं बहकी सभी जुबां है हम हैं हजारों में लेट्स सी अब कौन आता है बाहर इसकी कोई इज्जत नहीं चीज खास है अब है जो है कोई बाहर नहीं आ रहा है देखते हैं खुलती है अब है जो है समा है रोना थोड़ी होए क्या बताएं तूने चला चलो क्या सो गाइस आपको बताना है कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा एंड ये ब्लॉग था सरप्राइज विजिट हमारे शिवम पर भी सुनने जाने की एंड बहुत बहुत ही मेहनत लगी है इसको बनाने में सो लाइक जरूर कर देना एंड शेयर भी करना एंड कमेंट तो जरूर ही करना और मुझे बताना कि मेरी क्या क्या गलतियां थी ताकि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ना करूं एंड आपको अच्छा अच्छा कंटेंट ला कर दूं कंटेंट क्रिएटर मैं टिकटॉक वाला नहीं हूं पहले ही बता दिया ठीक है हाँ और क्या बोलते हैं ठीक है शेयर जरूर कर देना बस बाकी कोई चक्कर नहीं है और नेक्स्ट ब्लॉग फैड होंगे फैड बस इसको ना सब्सक्राइब कर दो यार कर दो 1000 सब्सक्राइबर कर दो अगला ब्लॉग फिर डाल दूंगा मैं ठीक है कर दो खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय